नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजीत इनसाइड आयुर्वेदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पित्त की अधिकता की वजह से जब कफ सूख कर हमारी छाती में चिपक जाता है या जमा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें सूखी खांसी और गले में दर्द होने लगता है। हम बात करते हैं इनके कारणों पर। सर्दी जुकाम या धूल के कणों का हमारे श्वास नली में जाना, दूसरा सर्दी व मौसम में परिवर्तन होना, तीसरा गले में सोथ या वायरल इन्फेक्शन का होना। हम बात करते हैं घरेलू चिकित्सा पर। हमको गर्म या गुनगुने पानी का सेवन अधिक करना चाहिए। दूसरा, गर्म पानी या गुनगुने पानी में थोड़ा एक चुटकी से दो चुटकी नमक मिलाकर उससे हम गरारा करें, जिससे हमारे गले की सिकाई होगी। हम बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधि पर। एलादिबटी जो कि यह पित्त शामक एवं कफ को दूर करने की औषधि है। एलादिबटी बड़ों में 1 से 4 गोली चूसना है, छोटे बच्चों में 1 से 2 गोली चूसना है, या तो आप इसे दूध या गुनगुने पानी से भी सेवन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह हमारी चिकित्सा आपको 100% लाभ देगी। अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी किसी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, आप वहाँ से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर्स करें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ भारत। नमस्ते।